नमस्कार, आमरो स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन को स्वागत करुछि मु निवेदिता। दर्शक बंधु, दिन को दिन नुआ नुआ रोगर ना सामना को आसुछि आउ ता संग को नुआ नुआ मेडिसिन रो आविष्कार मध्य सब परे भी आम जीवन शैली रे व्यापक परिवर्तन जको आमे विभिन्न मारात्मक रोगर शिकार होउछन्ति। हेले जदि से रोग संबंधे जानी बुझि सचेतन हेबा ताहेले हुए तो आमे से रोग ठारु दूरे रहि पारिबा। तेबे खास सेति पई आपन को जे कोनोसी रोग संबंधे सचेतन कराइबा पई आमर एही स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन। दर्शक बंधु, अपेंडिसाइट साधारण रे अपेंडिक्स रोग बोली कहा जाए। अपेंडिक्स आम शरीर एक अदरकारी अंग बोली कहा जाए जहाँ अंतनलीरे अवस्थित। शरीर रे एहार कोनोसी कार्य नाही कहिले चले। जदि अपेंडिक्स रे कोनोसी प्रभाव घटी संक्रमण हुए तेबे ताहाकु अपेंडिसाइटिस बोली कहा जाए। तेबे अपेंडिसाइटिस सेबार कारण कौन, लक्षण कौन, एहार चिकित्सा केमती हुए एने अधिक किछि जानिबा तेबे सबुकु नै अधिक परामर्श देबा पई आज आम सह स्टूडियो उपस्थित अछंती सीनियर कंसल्टेंट तथा हेड अफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रो सर्जन डाक्टर सत्यप्रकाश राय चौधरी। सर नमस्कार, स्वागत कर। सर आम आज जमी टॉपिक रखिंट विशेषकर अपेंडिसाइटिस नॉर्मल बहुत लोक अच्छा जो मैंने कि जाणी नए अपेंडिसाइटिस कौन जानवा आवश्यक। सर प्रथम क्वेश्चन अपेंडिसाइटिस कौन, अपेंडिसाइटिस विषय जानवा पूर्व आम जाना अपेंडिक्सटा कौन। अपेंडिक्स हूँ गोटे आउट पाउचिंग जोटा कि नॉर्मल जीआई ट्रैक्ट रू आसी था जोठी आमर क्षुद्रांत आ बृहदंत मिसी यूजुअली राइट साइड रो तल पेटरे से लोकेशन रे आमर से आउट पाउचिंगटा बाहरी था फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्टर जत्ते बेले से ही पोर्शनटा इन्फेक्शन हो जाए ताल ताको आमे अपेंडिसाइटिस बोली कहिथरो। ओके, तबे डॉक्टर चौधरी आउ गोटे कथा मध्य आसुची जे अपेंडिसाइटिस जेंति आपण कहथले जे पेट भितरे तो सिम्पटम्स कोन प्राइमरी स्टेज रे जणे केमती जानिबो जे सीए ता मध्य अपेंडिसाइटिस तार से प्रॉब्लम टी अछि तो माने प्राइमरी स्टेज रे जणे केमती फाइंड आउट करिवो। अपेंडिसाइटिस होची गोटे इमर्जेंसी कंडीशन जोथरे यूजुअली पेशेंट को सीवियर पेन हुए। पेन टा यूजुअली स्टार्ट हुए अपर एब्डोमेन माने ऊपर भाग पेटर ऊपर भाग रे स्टार्ट हुए आ ग्रेजुअली सेटा शिफ्ट हो जाए राइट साइड तल पेट को आ पेन टा बहुत सीवियर हुए सेटा होची फर्स्ट सिम्पटम। आ ता साथिरे एसोसिएटेड थाए वोमिटिंग माने बांती बहुत हुए आ ज्वर भी आसी पारे ता साथिरे आपर डायरिया भी हो पारे इवन परिस्रा जनित भी किछटा लक्षण भी आसी पारे। तो मेन सिम्पटम किंतु रहे पेन वोमिटिंग आ फीवर। तो डॉक्टर राय चौधरी आप जो कथा कहे जो पेट पेन हुए नॉर्मल भी आम जानते साधारणतः गैस्ट्रिक जो पेट पेन हुए कि अन्य कौन से कारण जो पेट जंत्रणा हुए नॉर्मल जड़े साधारण लोकटे केमती जानवे जे ये सिम्पटम्स टी हूँ अपेंडिसाइटिस गोटे बड़ लक्षण यार सिम्पटम्स अपेंडिसाइटिस सिम्पटम्स और गैस्ट्राइटिस अलग कंडीशन सिम्पटम्स गुड़ाक डिफर कैर कारण गैस्ट्राइटिस सिम्पटम्स अपर एब्डोमेन जोटा हुए जोटा कि बर्निंग सेंसेशन टाइप रही पेट जलिला भाया हुए किंतु एथेर पेट मोड़ीला भाया हम सीभीयर पेन हम गैस्ट्राइटिस यूजुअली एत सीभीयर पेन हुए आउ से पेनटा सिफ्ट हो राइट साइड को जाए राइट साइड रल पेटर जब पेन होने अपेंडिसाइटिस सस्पेक्ट करवाटा हूँ प्रथम काम माने पेटर राइट साइड रे बहुत लोक मध्य जानि नथिबे जे पेटर राइट साइड हेले ही अपेंडिसाइटिस रे गोटे लक्षण बोली। तबे डॉक्टर राय चौधरी आउ गोटे कथा मध्य जानिबा को चाहिबु जो जदि जणे अपेंडिसाइटिस जानिला जे जदि से मेडिकल जाउची डाक्टर को परामर्श आपण भ केमते अनेक पेशेंट आसुथिबे जे केउ स्टेज रे ताको फाइंड आउट करी जदि ताको सेही अनुपात रे जदि आगुआ ट्रीटमेंट करा जाय ताले सेते किछि विपद नाही तो कॉम्प्लिकेशन कोन देखु छथि एथे अपेंडिसाइटिस जदि मुझे प्रथम कहली गोटे इमरजेन्सी कंडीशन रे पेन भी सेतिक सीवियर हुए और तार मैनेजमेंट भी सेतिक एग्रेसिवली करियर अच्छे तो जिते बड़े पेन आमर होते सीवियर होते मेडिकल अटेंशन को जीवाटा स्वाभाविक कथा। तो यार कॉम्प्लिकेशन कौन हुए जमी कहली यहाँ हूँ इनफेक्शन अपेंडिक्स तो अपेंडिक्स इनफेक्शन होबार कारण भी रही गोटे हूँ मेन कारण था अपेंडिक्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन माने अपेंडिक्स लुमेन भितर जदि आम किसी मल हो किसी खाद्य पदार्थ हो किसी भी रहीगला तो बहुत रैपिडली तेरे बैक्टीरिया ग्रोथ हुए तो ग्रोथ होगा कौन हुए धीरे धीरे पस जमीवा स्टार्ट हुए पस जमिकी से
पर स्टेज को पलाए मैंने जो फाटी जाए तो हुए बस्ट आपेडिक्स आम कहीपरू मैंने कौन से पुज गुड़ाक आईदर से ही एरिया कि आम पेट भितर सारा भी स्प्रेड होबार चानसेस थाए तो कहते परफोरेटेड आपेडिक्स बस्ट आपेडिक्स आई सिचुएसन तार मैनेजमेंट कम्प्लीटली डिफर कर जाए आ पेसेंट भी से ही सीभीरीटी को चली जाए सेप्सीस जो कौन ब्लड में स्प्रेड कर जाए इनफेक्शन यहाँ सब से ही स्टेज को पलाए तो तेणुक आपेडिसाइटिस हूँ बस्ट परफोरेटेड आपेडिक्स केत कौन हुए एमती आम लोकल एरिया आम आंटीबायोटिक कौन किसी नहीं कंटेन करदेव मैंने कौन इनफेक्शन थी पेन हो बट पेन टाक आम कंटेन करने किसी मेडिसिन आम आड सड़ू नहीं जाऊ तो नापर कौन हुए से आपेडिक्स जो इनफेक्शन पूरा कंट्रोल हुए अल्प अल्प हुए तो यूजुअली सात आठ दिन पर लंप गोटे लंप गोटे फर्मेसन हो जाए राइट साइड रे तो कहते आपेडिकुलर लंप तो बहुत गुड़ा कम्प्लिकेसन अच्छी जोटा कि आम आपेंडिसाइटिस रो डायरेक्टली लीड करे। डॉक्टर राय चौधरी आउ गोटे कथा मध्य आमे कथा बा जेतु आम सते जने कॉलर जोड़ी छने हम फास्ट कॉलर निश कॉल टी नै जिबा। हेलो 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 ओके कॉल टी कटि जाइछि तबे डॉक्टर राय चौधरी विशेष करी आपण जो कथा कहली जो सिम्पटम्स गुड़ी का नॉर्मल कहले जो पेट पेन हुए बांती हुए ये सब जो लक्षण गुड़ी रही मध्य जानवाक चाहिए जे जदि जनकर लक्षण देखा दौर तो ठीक अच्छे से जानव कि जीव जो पेसेंट मैंने विलंब करती जदि डेरी हुए आपेंडिसाइटिस अलरेडी क्रिएट हो सारे जमी लेट्रे डाक्तर परामर्श नब देन कौन सब शरीर उपर प्रभाव पड़ पारे और कितने विपज्जनक जदि डिले हुए मुझे कहली एक्यूट आपेडिसाइटिस इनफेक्शन आपेडिक्स रहा पर स्टेज रहा बस्ट आपेडिक्स माने से इनफेक्शन टा इनफेक्शन हो कि से आपेडिक्सटा फाटी जाए आपेडिक्सटा फाटीगले से पूज हो कि आम मल होता कौन हुए पेट भितर सारा स्प्रेड हो जाए तो सेटा हेले कौन हुए पेसेंट तापर सेप्सिस को पलाए मैंने कौन से जो इनफेक्शन टा से पेट भितर आ सीमित हो रही धीरे धीरे से ब्लड स्ट्रीम को आसवा स्टार्ट करे पेसेंट को फिवर हाँ आरंभ हुए पेसेंट को सीवियर पेन एब्डोमेन हुए तो धीरे धीरे मैंने सेप्सिस और सेप्टिक शॉक पल्स बीपी धीरे धीरे रैपिड हवा स्टार्ट हो बीपी धीरे धीरे कम स्टार्ट हो तो ये सब स्टेज को जीवा पूर्व ही तार ट्रीटमेंट करवाटा निहाति आवश्यक। अच्छा तबे डॉक्टर राज चौधरी नहेबापाई विशेषकर आप कहते हैं सब हुए तो आर कारण कौन प्रकृत जो आपेडिसाइटिस हमारे रिजन सब कौन रही यूजुअली आम ये आपेडिसाइटिस दस रु तीस वर्ष लोकों भितर देखा जाता है मेल फिमेल किसी बेसी किसी डिफरेन्स ना तो इनसीडेन्स भी एवं किसी ना बढ़ी ना कि कमी स्टेबल इनसीडेन्स रही खाद्य पदार्थ आम जमी कहली कि जी आई ट्राक्टर यहाँ गोटे इनफेक्शन रार्ट तेणुक जी आई ट्राक्ट को इनफेक्शन को कम करने जो प्रकार आम प्रिकसन्स नहीं पार से ही प्रकार प्रिकसन्स ने कि आम जो कोलन जो आम जो कारण कोलन सब जो रोग गुड़ाक अच्छी प्रिभेन्ट करने जो सब मेडिकेसन जो सब प्रिकसन सब नवा कथा से ही सब प्रिकसन्स ने आपेडिसाइटिस किसी मात्रा आम बंची पार मैंने फर एक्जाम्पल आम जमी खाद्य पदार्थ जमी तेल हो मसला हो कि आम रेड मीट जोटा कि आम मटन वगैरह जोड़ा सब खाती कि फास्ट फूड जोड़ा खाइबा तो से सब जहाँ कहते हैं कोलोन को अधिक अफेक्टेड करता है जेहतु आपेडिक्स गोटे कोलोन रू से आरइज कर तो तार प्रिभेन्टिव मेजर्स भी आपेडिसाइटिस प्रिभेन्टिव मेजर्स भी कम कै बट स्टिल आपेडिसाइटिस किसी स्पेसीफिक कज कि प्रिभेन्टिव मेजर्स ना किंतु आमे जो सब कोलन प्रोटेक्टिव बा जीआई प्रोटेक्टिव मेजर्स नबा से मेजर्स उडा को हमर एपेंडिसाइटिस पाई भी कामरे आसी। अच्छा डॉक्टर राज चौधरी आमे कथा आम सत जने ढेंकानाल रु कलर जोड़ी छंती चित्तरंजन चित्तरंजन बाबू स्वागत करू छी आपन को प्रिस्क्रिप्शन को कोन प्रश्न रही छी कोंतु मैडम मोर दांत तो हाल को पीड़ा रहू छी। अच्छा आपन को ऑडियो चित्तरंजन बाबू टिके क्लियर आसुनी आउ थरे टिके प्रश्न कोंतु तो सुईले कष्ट पीड़ा रहा पीड़ा बुझी पार्टी जी मतलब भले कि सुभाग लानी बट स्टिल मुझे भावुचे कौन जो आपर लो जो पिठीपटर जो लो लो आम तल पिठीपट जो हाड़ अच्छी सेपट साइड रू पेनटा हो कि आप दीपट साइड रोड़ को जाऊँच तो यहाँ हूँ ए सीमटम्स गुड़ा कि यूजुअली पी आई विडी सीमटम्स मानने
प्रोलाप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोले कहुए माने जो आमर जो मेरुदंड अच्छी मेरुदंड हाड़ कारण जो ये पेन यूजुआली होता है तो ये आइदर आम ऑर्थोपेडिक्स कि न्यूरोसर्जन को देखे कि न्यूरोलोजी देखे आप उपकृत हे मत लगुन आपंकर सिम्टम्स अपेंडिसाइटिस को रिलेटेड अछि एक्जेक्टली धन्यवाद जो कॉलर कॉल करथले चित्रंजन बाबू विशेष के धन्यवाद अपन कॉल करथिबारु तबे डॉक्टर अजुत्रा आमे जेंटे आलोचना करथिले या मते जानिबा को चाहिबु जे केउ वयसर लोकंकठार अधिक देखबा को आपन पांती अनेक पेशेंट आपन पाखु जाउथिबे अधिक केउ वयसर लोकं पाके देखंती एज ग्रुप केते रु केते वयस भितरे आसुछि अपेंडिसाइटिस पे एक्चुअली किछि एज ग्रुप निर्दिष्ट नथाय कारण तार कारण भी सही भलिया किछि माने स्पेसिफिक कारण न था तो किंतु यूजुअली आम इंसिडेंट्स देखा गले 10-30 वर्ष बयस लोकों देहर से अधिक देखा यंग एज ग्रुप एथेर अधिक अफेक्टेड था रादर दैन ओल्ड एज ग्रुप किंतु ओल्ड एज रे भी आम देखीचु जो मान यूजुअली कॉम्प्लिकेशन आसान ओल्ड एज बिकज तर अलग प्रकार डायबिटीज हो हाइपरटेंशन हो तो से कौन हुए डायग्नोसिस भी टिके लेट हुए लेट ये हुए डायबिटीज जो आम जो सिम्टम्स गुड़ाक टिके मास्क हो जाए माने टिके जना पड़े तो से यूजुअली लेट स्टेज रे टिके प्रेजेंट करती किंतु प्रिवेलेंस दे देखिया कोडियो इंसिडेंस दे हम देखिया जो ताले 10-30 वर्ष लोक को देरे एटा अधिक देखा अच्छा छोटो पिलां को क्षेत्र रे डॉक्टर राज चौधरी देखिबा को मिले कि कम बस हम हेत रुपे कोन एम जेंति कहली एज कोटे बार न हो या पई कि कोनोसी भी एज ग्रुप रे देखा जाय पारे एवं छोटो एज ग्रुप रे भी देखा जाय अच्छा हां तो डॉक्टर राज चौधरी आउ गोटे कथा जो विशेष कर आपण कहले जो सब खाद्य कथा कहउथले तेबे नॉर्मली आमे जानी छन मसाला जातीय खाद्य को जो जेकोनो से रोग आपण देखंतु सबतरे मसाला जातीय खाद्य किबा ऑयली फूड को टिके बारण करा जाय खट्टा पानी भी गोटे बड़ फैक्टर कि कहीं नॉर्मल अपेंडिसाइटिस जार बाहर कहते कि बे खट्टा पानी खाऊ प्रकृत खट्टा पानी सहित से लिंक अच्छे यूजुअली तार किसी डायरेक्ट लिंक ना मसला कि आपत कहते तेल ऑयली फूड कारण ये सब ऑयली फूड कि फैटी फूड जिते खाए आम जीआई मोटिलिटी से कमी जाए तो जीआई मोटिलिटी जो मोटिलिटी मैंने जो स्पीड जीआई ट्राक्ट कि आम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जिते स्पीड कम करता से स्पीड टे कमी जाए तो कमीगलापर आम सब प्रकार इनफेक्शन वगैरह स्टार्ट होबार चांसेस थाए स्पेसीफिकाली खटा पा उपर यार किसी अफेक्ट ना अच्छा अच्छा तबे डॉक्टर राज चौधरी आम सहित आज जो कलर जोड़ी बालेश्वर रत्नाकर बाबू आम सहित जोड़ी रत्नाकर बाबू स्वागत को प्रेस्क्रिप्शन को कौन प्रश्न रही कहतु मैडम सर मु जानार कथा सर को पखरो सर जे हमो डांस सेट ता जो बथा रहू जी अपन सेट ता काई जी हुए अच्छा एग्जैक्टली हम पॉइंट अपन सेट ता को खाद्य रो ना मसाला युक्त खाद्य रो एग्जैक्टली डॉक्टर कहूतले तथापि आपन जेतु पचार छन प्रश्न डॉक्टर रायचौधरी हम आउट रे जणे देबा पई चाहेबा जे केउ केउ कारण रही छ अपन रत्नाकर नमस्कार तो कारण यार स्पेसिफिकली किछि नहि किंतु खाद्य पदार्थ जो प्रकार आम चेंजेस करचे फास्ट फूड खाऊे तेल मसला ओब्विस्ली आउ जोड़ा आम मटन कि आम जो रेड मीट जोड़ा कहे तार जो आम टे अफेक्ट पड़ पाए आम जी आई ट्राक्ट उपाय अपेंडिसाइटिस होबार कारण था किंतु अपेंडिसाइटिस जो अपेंडिक्स इनफेक्शन हुए स्पेसिफिकली मोस्टली आम हुए से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लुमेन माने अपेंडिक्स गोटे जो कहली छोट आउट पाउचिंग 2-9 सेंटीमीटर रो आउट पाउचिंग सेटा होची कोलन रो जदि तार भितरे किछि हमरो मळ हो कि खाद्य पदार्थ कि फूड बोलस कि छोटो किछि बोलस सेटा तो कोन हम अपेंडिकोलिथ जदि सेटा लाखी जाए तले बहुत रैपिडली हमरो बहुत जल्दी हमरो बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हुए से एरिया रे तो हे कि सेटा अपेंडिसाइटिस करे आउ पेन करे तापर पस भी करे तो स्पेसिफिकली हमर खाद्य पदार्थ उपरे यार किछि डायरेक्ट लिंक नथाय अच्छा जो गोटे कन्फ्यूजन थाए जे खटा पानी खाइले हुए एक्चुअली सेमती किसी न थाए जहाँ डॉक्टर राज चौधरी कहते डॉक्टर राज चौधरी आउ गोटे कथा मध्ये जानिबा को चाहिबा जे ऑपरेशन पई आपण केते बेले सजेस्ट करंती जणे पेशेंट जेते बेले आपण पाखो आसे से जदियो प्राइमरी स्टेज हो या किछ दिन विलंब रे जानती तो आपण केते बेले ऑपरेशन पई तांको सजेस्ट करंती किबा जो ऑपरेशन कथा कह जाउ छी जणे डायग्नोसिस कला परे यूजुअली मुझे जमी कहली आपेंडिक्स गोटे हूँ आक्यूट आपेंडिसाइटिस परफोरेसन कि मझेरा गोटे स्टेज आस लंप मानने जो गोटे राइट साइड गोटे मास भाया गोटे थी तो आपेंडिसाइटिस हूँ गोटे आम मेडिकल सर्जिकल इमरजेन्सी हिसाब से धर जाए मानने कौन आपेंडिसाइटिस मानने तार सर्जरी करवाटा निहाती रूपे दरकार कारण तार पर स्टेज हूँ खतरनाक तार पर स्टेजा हूँ मारात्मक तेणुक आपेंडिसाइटिस मानने यूजुअली आम
सर्जिकल मैनेजमेंट को ही प्रिफर करता इवन अपेंडिकुलर परफोरेशन माने जो थरे अमर फाटी जाए था अपेंडिक्स से भी आम ऑपरेशन करवाटा निहाती आवश्यक केवल केवल गोटे स्टेज जो थे कि अपेंडिक्स इन्फेक्शनटा कंटेन्ड होकर रही जाए गोटे जगार आ जोटे आम एक्सपेक्ट करूँ कि ऑपरेशन रो लाभ अपेक्षा क्षति अधिका हम केवल से ही स्टेज रे आम ऑपरेशन कर न था एंटीबायोटिक दे था अलग प्रकार जो मैनेजमेंट कर जो सपोर्टिव मैनेजमेंट दे था आ देलापर ताको 4-6 सप्ताह पर इंटरवल अपेंडिसेक्टोमी 4-6 सप्ताह पर आम ऑपरेशन को नहीं था किंतु अक्यूट अपेंडिसाइटिस हो जोटे सर्जिकल इमरजेंसी और निहाती रूपे तार सर्जरी करवा दरकार। डॉक्टर राय चौधरी ऑपरेशन परे जो पेशेंट आपन ऑपरेशन करंती तो सेमानो को केते दिन प्रिकॉशंस नबा को पड़े एवं केते दिन सावधानता अवलंबन करबा को पड़े जेतु ऑपरेशन होई थाए। अक्यूट अपेंडिसाइटिस रो ट्रीटमेंट अगुरु एक्चुअली ओपन मेथड रे करा जाउतला ओपन अपेंडिसेक्टोमी माने ओपन रे अपेंडिक्स टाकु बाहर करा जाउतला एबे आजिका सिचुएशन रे लैप्रोस्कोपिकली जो आम कौन माइक्रोस्कोपिकली और दूरबीन रे अपेंडिक्स रे ऑपरेशन करा हो ऑलमोस्ट सब क्षेत्र में सक्सेसफुल हो तो तेणुक लैप्रोस्कोपी मोर एटा होची फायदा जे बहुत कम दिन हॉस्पिटल्स रे यूजुअली आमर पेशेंट गोटे कि देढ़ दिन में डिस्चार्ज जाती पर दुई तीन दिन भितर रिज्यूम करते नॉर्मल एक्टिविटी और नॉर्मल ड्यूटी ऑफिस रे भी जाए जॉइन करती खाद्य पदार्थ आम 4 घंटा पर कारण ऑपरेशन 4 घंटा पर आम स्टार्ट करदे खाइवा पीवा आर दिन से नॉर्मल डाइट ना स्टार्ट करता आ प्रिकॉशन सेमती किसी न था कि पोस्ट ऑपरेटिव आम एडवाइज करता स्ट्रिक्ट आम जो गोटे जिन फलो करते जमी कहली प्रिकॉशन ना कथा सेम जिनसा फलो करते तेल मसला टी कि दिन निहत रूप अवॉइड करते रेडमेड टाक अवॉइड करते अदरवाइज नॉर्मल जो ड्यूटी को से माने रिज्यूम करती से माने 3-4 दिन भीतर से माने नॉर्मल ड्यूटी को रिज्यूम करती एथेरे आमर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कि जो ओपन सर्जरी हुए धरा जो आमर जमी आप लेट स्टेज रे प्रेजेंट कले जो ओपन सर्जरी किसी मात्र दरकार पड़ा तो से क्षेत्र में जो रिकवरीटा हुए सेटा टिके डिले हुए 7-8 दिन टाइम लगी जाए और नॉर्मल एक्टिविटी भी सेमती रिज्यूम करने कि ड्यूटी रिज्यूम करने लेट हुए टोटाली ओवरऑल आप कहते हैं चिकित्सा पद्धति कौन कौन रही है लैप्रोस्कोपी कथ क्या कहते सीटी स्कैन आवश्यकता रही है आम कथा डॉक्टर राय चौधरी आम सहित आज जो कलर वेट करमक चांदबाली सुधीर बाबू आमको कल कर सुधीर बाबू स्वागत कर प्रेसक्रिप्शन को कौन प्रश्न रही है कहतु मैडम नमस्कार नमस्कार आज्ञा कहतु सर नमस्कार मैडम नमस्कार नमस्कार मोर 15 वर्ष तले ये मु मेडिसिन डॉक्टर को देखे मेडिसिन खाई सर कहते हैं लास्ट ऑपरेशन ही फाइनल किंतु पर्यंत सर मोर कौन असुविधा हो ना कि 15 वर्ष तले मोर अपेंडिसाइट अच्छी मेडिसिन जहाँ ब्लेक्ट सर इंजेक्शन मेडिसिन खाला मोर से आपर्यंत कि ना मो बयस आज्ञा 50 वर्ष अच्छा अपन कौन जानिबा को चाहौ छंदी ये आगु की तो अच्छा ठीक अच्छा सुधरा भलो क्वेश्चन ते पचले जो मानकर अमर यूजुअली कोन हुए जो मानकर अपेंडिसाइटिस हेची आउ सेटा कंटेन्ड हो जाए कि आम से मेडिकली मैनेजमेंट कर देचु आ सक्सेसफुली सेटा मैनेज हो जाए ऑपरेशन जहाँ दरकार पड़नी तो सेमानक क्षेत्र रे सेमान बहुत कम परसेंटेज रे लोक थांती किंतु सेमानक भितर जो माने भलो आपनकर जेंति 15 वर्ष होलानी मात्र 7% रु 10% लोकंकर परे आउ थरे पेन हे कि अपेंडिस रो माने रिमूवल जो अपेंडिसेक्टम रे दरकार पड़छि यूजुअली आरो किछि कॉम्प्लिकेशन हुए नाही जेंति आपन जेंति गोटे थरे हेइतिला ता पर आज जाय 15 वर्ष होलानी किछि असुविधा हेइनी ताला फ्यूचर रे भी किछि असुविधा होबार चांसेस बहुत कम तेणुकर एबे आउ आपनकर जदि पेन न होउछि ताहाले कि सिम्पटम्स किछ अन्य किछ सिम्पटम्स न आसे ताले अपेंडिक्स रिमूवल करबार कोनो से प्रकार इंडिकेशन नाही एक्जेक्टली गोटे आश्वस्तिकर कथा मते कम से कम आश्वस्ति मिल जाइथि आपन रे कथा सुनला परे डॉक्टर राय चौधरी जो कथा से कहतले जे 15 वर्ष पूर्व डॉक्टर कहतले एबे से मेडिसिन इंजेक्शन ला परे एबे सब ठीक ठाक अछि आगु को मध्य चांसेस नाही जदि जणकर ऑपरेशन करा गला बा सर्जरी करा गला नेक्स्ट टाइम पुणी थरे बर चांस रहउछि कि ना ना एक्चुअली एटा होछि अमर अपेंडिसेक्टोमी रो माने हैला पूरा अपेंडिक्स टा को बाहर करा जाय थे तो यूजुअली कौन हुए जो हम को जो रिकरेंट माने हमरो जो स्टम्प अपेंडिक्स साइटिस बोली गोटे टर्म अच्छे माने कौन अपेंडिक्स बाहर कलापर धर जो हमारे 9 सेंटीमीटर अपेंडिक्स अच्छे आम 7 सेंटीमीटर तार बाहर कर 2 सेंटीमीटर बाइचान्स रही जाए रही जदि रही जाए मझे मझे
ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ 1-2% କେସେସ୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଭାଇ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମର ୟୁଜୁଆଲି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ରିକରେନ୍ସ ହେବାର କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ନଥାଏ। ଦେଖୁ ରାଜଚୌଧୁରୀ, ଯଦି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ପେଟ ଭିତରେ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ସେଇଟା ରୁହେ ପେଟ ଭିତରେ, ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କି? ୟୁଜୁଆଲି ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ଏଇଟା କରାଏ ନାହିଁ, ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର କରାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ କଜ୍ ବି ହେଇପାରେ ଆମର ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ର। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜୁଆଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ, ଏଲ୍ଡରଲି ଏଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁ, କାରଣ ସେଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଜ୍ ଥାଇପାରେ କି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର ମୂଳରେ କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଇପାରେ, କି ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହଦନ୍ତରୁ ଆରାଇଜ୍ କରିଥାଏ, କିଛି କିଛି ପରିମାଣର ବୃହଦନ୍ତର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଆମର ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରିଜଲ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର କରାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ରାଜଚୌଧୁରୀ, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରାଯାଇପାରିବ? ପୂର୍ବରୁ ଆମର କୁହାଯାଉଥିଲା ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକାଲ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍, ମାନେ କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଟୁ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ମେଡିସିନ୍ ହେଲାଣି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ଆମର ଏନଫ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯଦି ମାନେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ଦେଇଥାଉ ଯେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେଉଁଟା, ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଟି ସ୍କାନ୍, କାରଣ ସିଟି ସ୍କାନ୍ରେ ଆମକୁ ପୁରା ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି, ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି, ଏଇଠି ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କଲେ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଅପରେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ୟୁଜୁଆଲ ସିନାରିଓରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏନଫ୍। ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟର ରାଜଚୌଧୁରୀ, ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଟୋଟାଲ କ୍ୟୁର୍ କରିହେବ ନା ନାହିଁ, ଅପରେସନ୍ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀର ବେନିଫିଟ୍ ଅଧିକା କି ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଫେଲିଅର୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା। ତେଣୁକରି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟରେଚର୍ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚଏସ୍ ହେଲା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଆପେଣ୍ଡିସେକ୍ଟୋମି, ମାନେ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକାଲି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସକୁ କାଟିକି ଯେଉଁ କଟାଯାଏ ଅପରେସନ୍ରେ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି ତ? ପୁରା ଏକଦମ କ୍ୟୁର୍, ଆମେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା? ଆପଣ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ ଅର୍ଗାନ, ମାନେ ତା'ର କିଛି ରୋଲ୍ ଆମର ରୋଲ୍ କି ୟୁଜ୍ ଆମର ନାହିଁ ବଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ବର ଇଏ ଥିଲା, କନସେପ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ନୂଆର କନସେପ୍ଟ ହେଲାଣି, ନିହାତି ରୂପେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର କିଛି ନା କିଛି ରୋଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ି ବା କୋଲନ୍ ବା ଆମର ଜିଆଇ ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଭଲକି ଡିସ୍କଭର କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁଜୁଆଲ ସିନାରିଓରେ ଆମର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଯଦି ରିମୁଭ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଆଜି ଯେ କାହାର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବି ଇଫେକ୍ଟ ଆସ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ଇଫେକ୍ଟ। ଯଦି ଅପରେସନ୍ ନ କରାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି କି? ନିହାତି ରୂପେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେଉଁ କାରଣ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଲି, ଯେମିତି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଥର ଫାଟିଲେ ସେଇଟା ପେଟ ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍, ପେଟ ଭିତରରୁ ପୁଣି ଯିବ ବ୍ଲଡ଼କୁ, ବ୍ଲଡ଼କୁ ଗଲା ପରେ ସେପ୍ଟିକ୍ ସେପ୍ସିସ୍ ଆଉ ସେପ୍ଟିକ୍ ସକ୍ ଯିବ, ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ରୂପେ ଲାଇଫ୍ର ରିସ୍କକୁ ଲାଇଫ୍କୁ ରିସ୍କ ଥାଏ, ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଥାଏ। ଡକ୍ଟର ରାଜ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଶେଷ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ଯେହେତୁ କମ୍, କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠି କହୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରମଗାର କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଡିଅର ଜଣେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ କଟକ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍, ତାପରେ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଗାଁକୁ ଗଲେ, ମୋ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଏକବୀରଙ୍କ ଗାଁ, ସେଠି ତା ପର ଦିନ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଫାଟିଗଲା, ଆମେ 108 ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଆଡମିସନ୍ କଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କିଛି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଯେ ସେଟା ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି, ଔଷଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଗାଁରେ ଫାଟିଲା, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କଟକରେ ଅପରେସନ୍ କଲୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି
ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି କାରଣ, କାରଣରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର ମୂଳରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଦିଏ କି ରୁକାବଟ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି ଗ୍ରୋ କରେ, ଆଉ କାହା ବଡ଼ିରେ କେତେ ରାପିଡ଼ଲି ଗ୍ରୋ କରେ ସେଇଟା କହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଟା ଏତେ ରାପିଡ଼ଲି ଗ୍ରୋ କରେ, ଧରାଯାଉ ଆମର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ଛୋଟ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା, ଧରାଯାଉ 2 cm ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମର ସ୍ପେସ୍ କମ୍ ଥାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଜୋରରେ ରାପିଡ଼ଲି ଗ୍ରୋ କରେ ସେଇଟା ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତ ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ୱିଥ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଠି, କଲା ପରେ ସେଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ଓଭର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଜ୍ କରିକି ଫାଟି ଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ କଲର ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ହେଲେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ କଲର ମାନେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କଥା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଯେ କେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ଆ ପଛରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଅପରେସନ୍ର କେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏ ତମାମ କଥା ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି ଡକ୍ଟର ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଏଇଠି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।